खास एक्सपर्ट्स बने हुए हैं हमारे साथ, कैश द कियोस्क के जय बाला हैं, फोन लाइन पर लंदन से हमारे साथ हैं, इनफैक्ट लाइव है वो हमारे साथ। गुड आफ्टरनून जय बाला, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इनफैक्ट मिस्टर बाला, हमें याद है लास्ट टाइम जब आपसे बात हुई थी रफली अबाउट 20-25 डेज बैक, और आपने तब बाजार इतनी बुरी शेप में नहीं था, और तब आपने कहा था कि यहाँ से आपको 14,400-14,200 तक के लेवल्स दिखते हैं, और आज वो दिन है जिस दिन हम 15,400 एक बड़ा सपोर्ट है उसे टूटते हुए देख रहे हैं। तो रियली नीड योर कन्विक्शन हियर, आपको क्या लग रहा है कि यहाँ से और डाउनसाइड कितना जा सकता है? Thank you for having me on the show. You know, छोटा सा करेक्शन है, मैं ये नवंबर से बोल रहा हूँ, नवंबर से 14,000 तक आ जाएगा। लेकिन क्या है ना, अब मार्केट का एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर, द मार्केट्स नीड्स टू गो स्लाइट बिलो लास्ट वीक्स लो, सो वंस दैट इज डन, दिस फॉर द यूएस मार्केट्स दैट्स नॉट हैपन, बट द इंडियन मार्केट्स दैट्स हैपनिंग एज वी स्पीक। अगर वो होने के बाद वो शॉर्ट टर्म सपोर्ट आ जाएगा, उसके बाद शॉर्ट टर्म में एक बाउंस बैक आ जाएगा, लेकिन मीडियम टर्म में ये करेक्शन खत्म नहीं हुआ है। निफ्टी के लिए मीडियम टर्म सपोर्ट 14,000 के आसपास है, और एस एन पी यूएस के लिए मीडियम टर्म सपोर्ट है 3,200 के आसपास है। सो वो आने के बाद ये बुल रन रिज्यूम हो जाएगा, लेकिन उस समय तक कैश प्रिजर्वेशन करना चाहिए। बढ़िया, आपकी किताबें पीछे बहुत अच्छी लग रही हैं। इनफैक्ट ये पूरा आपका जो किताबों का रैक है वो बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। एक किताब पीछे, जरा फुल फ्रेम पे जाइए डॉक्टर साहब, वो एक पीछे जायंट करके किताब रखी हुई है सामने, वो कौन सी किताब है? ये कुछ मार्केट की किताब है, कुछ चार्ट शॉर्ट्स के बारे में या कुछ और? नहीं नहीं, ये मेरा बीवी वो सारे बुक्स पढ़ता है। I'm not the reader in the house. आपसे चार्ट पढ़ते और बहुत अच्छा पढ़ते हैं। In fact, November से अगर उन्होंने कैच कर लिया था, my apologies, मेरे को last time की conversation में आती है। नहीं, वो चार्ट्स पढ़ते हैं और वाइफ जो है किताबें पढ़ती हैं, बट बुद्धिजीवियों का घर है, इंटेलेक्चुअल का घर नजर आ रहा है, ये बात सही है। क्योंकि मैंने क्यों इस बात की, देखिये आजकल क्या हो रहा है, जब से वर्क फ्रॉम हुआ है कई बार लोग पीछे एक पोस्टर लगा देते हैं जिनपे किताबें रखी हैं, किताबों की रैक लगी हुई है, राइट? बट ये सही किताबें आपके पीछे आपको सही किताबें हैं, क्योंकि मार्केट में किताबें बहुत ज़रूरी होती हैं। लोग हंसी उड़ाएं भले ही, मेरा ये व्यू है नॉलेज कैन हार्वेस्ट वेल्थ। और मैं जानता हूँ बहुत पुराने टाइम से जय को, जब वो अंधेरी में हमारे कुछ कॉमन फ्रेंड्स के साथ रहा करते थे, वहाँ से उन्होंने जो जर्नी लंदन तक की है, बीच में सिंगापुर का स्टॉप बनाते हुए, वो नॉलेज बेस पर की है। सो ये बताइए कि शॉर्ट टर्म में तो आपने बता दिया कि भाई अभी बाजार देगा, जल्दीबाजी मत करिए, बट क्या आपको सेंस आ रहा है कि लास्ट स्टेज ऑफ कैपिचुलेशन आ सकता है नेक्स्ट 3-4 महीने में? क्योंकि लोग 10 महीने से कैश पे बैठे हैं साइड में, एटलीस्ट वो लिस्ट बनाना तो शुरू कर दें। जरूर जरूर, वो उसमें कोई डाउट नहीं है मेरे को। क्या है ना, इस समय निफ्ट आईटी सेक्टर बहुत अच्छा सपोर्ट जोन के पास आ रहे हैं, वो 27,000 to 26,000 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट। अगर यू नो टेक्निकल एनालिसिस में हमको फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्म इधर कंप्लीट हो रहा है, लेकिन सपोर्ट मिलना चाहिए इधर से, बट यू शुड नॉट प्रीएम्प्ट द मार्केट, लेट द मार्केट फाइंड सपोर्ट एंड देन स्टार्ट यू नो टर्निंग फ्रॉम द सपोर्ट। That has not happened, but it's come to support and completed the form. You know, so watch out, prepare a list on the IT names that it has potential for the you know medium term, and probably you know a reversal probably is coming through from 15,340 on the Nifty or about 15,070. IT might outperform, but we need to wait for the markets to do its work. It's a little more work to be done. Okay, चलिए stocks की बात करते हैं, क्योंकि स्टॉक्स में इंटरेस्ट है लोगों को। मैं दो चार बड़े थीम बताता हूँ, आप उसमें से स्टॉक बताइए। एक थीम हम यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं, कमोडिटी यूजर्स, जहाँ पे मार्जिन प्रेशर ईज हो रहा है, कमोडिटी नीचे आ रही है, अनमेट डिमांड है। केपेक्स थीम धीरे धीरे बढ़ रहा है। कैपिटल गुड्स में बताइए क्या लेना चाहिए यहाँ से 10-15% नीचे, और ऑटोज में बताइए, दोनों कमोडिटी यूजर्स हैं। Yeah. मेरे को एबीबी सीमेंस जैसा स्टॉक अच्छा लग रहा है। यू नो आपने थोड़े समय पहले आपने बोला अपार इंडस्ट्रीज और इलेक्ट्रॉन इंजीनियरिंग, वो सब यू नो अच्छा मीडियम टर्म से अच्छा लग रहे हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा अपसाइड्स हैं, अभी भी अपसाइड हैं इलेक्ट्रॉन और अपार इंडस्ट्रीज के लिए, लेकिन ट्रेडिंग बेट होता है।
एबीबी सीमेंस वो मीडियम टर्म पे तो है, लेकिन रिस्क अबाउट इट्स नॉट यू नो द बेस्ट लेवल्स एट द वेट फॉर द करेक्शन टू प्ले आउट देन देयर विल बी वेरी इंटरेस्टिंग बिट्स फॉर द मीडियम टर्म फ्रॉम द कैपिटल गुड्स स्पेस। साथ ही बाला आपसे जानना चाहेंगे कि ये आप एक बार स्क्रीन पे व्यूअर्स को दिखा रहे हैं कि 380% रिटर्न मिला 14 साल में बीएससी कैपिटल गुड स्पेस को, और इसके टॉपिक्स जो हम अभी डिस्कस भी कर रहे थे। बाला आपका एनर्जी स्टॉक्स पर क्या व्यू रहेगा? एनर्जी इंडेक्स अगर आप देखें जिस तरह से परफॉर्म किया, और अब आपको लगता है कि वहां से टॉप आउट हो चुका है, क्योंकि बहुत लोग बहुत रिटेलर्स अभी भी फंसे हुए हैं। एक डायरेक्ट कोरिलेशन रिलेशन तो उन्हें लगता है कि क्रूड की चाल है, क्रूड शायद मोमेंटम में रहेगा, पर एक व्यू अब ये भी निकल कर आ रहा है कि शायद क्रूड टॉप आउट हो गया क्या। एक इंडेक्स की भी हम बात करें, इनफैक्ट स्पेशल हमने आज मॉर्निंग में भी एक डिस्कशन कि क्रूड को लेकर जो जो ट्रैकर है, एक इंडेक्स है, ईटीएफ है, एक स्पेशल एसपीडीआर, यस एसपीडीआर, एसपीडीआर इंडेक्स, जिसमें शेवरॉन ये सब हाँ जानते ही होंगे, सारे ग्लोबल फंड, ग्लोबल एक्सप्लोरेशन कंपनीज हैं। वो चार्ट में दिखाता हूँ, आप उसे रीड कीजिए, शायद प्रियंका उसी को रेफर कर रही है। एसपीडीआर का ईटीएफ टॉप आउट हो रहा है, क्रूड अभी भी ऊपर है। तो क्या आपको लगता है कि बाला यहाँ पे क्रूड टॉप आउट अब हो चुका है, या नियर टर्म में आप इसे टॉप आउट होते हुए देखते हैं? क्या व्यू निकल कर आएगा आपका एनर्जी और इन ऑयल एंड गैस तमाम स्पेस के स्टॉक्स पर? मेरा व्यू पहले था वो ब्रेंट क्रूड 140 के ऊपर जाएगा, लेकिन 125 ना मैंने लास्ट वीक बात किया था, 125 बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, उधर से मार्केट नीचे आ रहे हैं। There's a possibility that crude is topping out, but you know it needs to go below 113, $110. उसके बाद भी कंफर्मेशन आ जाएगा। उस समय तक अब अगर आप बुलिश था तो इधर प्रॉफिट लेना चाहिए। When it comes to the energy sector, energy sector heavily weighted towards Reliance. So, but Reliance is seeing a little bit of negative price action. The fact that it's printed 26.56. लेकिन वो ये नॉट अ गुड प्राइस एक्शन, वो ये करेक्शन 2300 तक या मे बी इवन 2100 तक आ जाएगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में बाउंस पॉसिबल है। सो यू नो रिलायंस प्राइस एक्शन इज नॉट लुकिंग गुड। सो व्हेन इट कम्स टू द यू नो एक्सएलई एसपीडीआर ईटीएफ, you know you should also look at another ETF, which is BNO, which is heavily tilted towards Brent oil. That is actually not showing sign of topping out. So you know there are crosswinds here, thoda sa sambhalna chahiye, lekin you know if the XLE is actually topping out and the components are actually trying to outperform, autos may relatively outperform, but that is only as long as auto index stays about 10600. निफ्टी ऑटो का बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ऑलराइट, तो ये सारे स्पेसेस और ये सारे स्टॉक्स जो हम डिस्कस कर रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर ऑल दीज इंसाइट्स बाला, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू टॉक टू यू, आपसे इंसाइट्स मिलते हैं और कन्विक्शन स्ट्रांग होता है। तो यानी अभी भी फिलहाल ये जो एक डाउनसाइड दिख रहा है, ये जो डिप दिख रहा है, इट्स जस्ट मे बी नॉट ओवर येट, बट हम एक लास्ट फेज ऑफ लेग में है, ये जरूर एक थोड़ी सी कन्विक्शन निकल कर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बाला। चलिए बाजार पर लौटे 15400 के पास, यानी अब फिर से थोड़ा सा आप नीचे और गिरे हैं। 15440 अभी आ गया था, फिर 400 के पास, अब यहाँ इस लेवल पर